नेक्स्ट चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज है बेटे, आज आप 13th क्वेश्चन करांगे। क्वेश्चन नंबर 13, 1 + 3/1 × 1 + 5/4 × 1 + 7/9 and so on 1 + 2n + 1 over n² = n + 1 whole square अप्रूव करना बेटे अपा। फर्स्ट पार्ट फॉर n = 1 वास्ते फर्स्ट टर्म ले लो, दी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 + 3/1 दैट इज इक्वल टू 1 + 3, ये आ गया बेटा 4। राइट हैंड साइड दे विच n 1 पुट कर दो, 1 + 1 द होल स्केयर, ये बन गया 2² = 4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वास्ते से रिजल्ट एज्यूम कर लिया, यानी कि 1 + 3/1 × 1 + 5/4, अगले बेशक रकम ना लिखो तुसी, × 1 + 2k + 1/k² ये जड़ी रकम है दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 द होल स्केयर दे बराबर है। एनी इक्वेशन नंबर 1 मान लो। थर्ड वास्ते की करांगे, थर्ड स्टेप की कहना है, लेट अस प्रूव दैट, थर्ड स्टेप तो प्रूव करांगे, लेट अस प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 वास्ते असी प्रूव करांगे कि रिजल्ट की है ट्रू, यानी कि आप उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लांगे, दैट इज इक्वल टू 1 + 3/1 × 1 + 5/4 and so on × 1 + 2k + 1/k². अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इनू ध्यान ना लिखना है क्योंकि सारी गलती जो बच्चे करते हो इतों ही करते हैं, इस स्टेप तो ही करते हैं। इतने आप करना हूँ 1 + 2, इतने हम ब्रेक दो कि 2 के नाल जो के है उन्होंने चेंज करना, इस करके उत्थे ब्रैकेट लगाओ, k + 1 लिख दो, उत्थे प्लस 1 ऑलरेडी है उत्थे ओवर k + 1 द होल स्केयर, इनू असी प्रूव करना हूँ, जो भी प्रूव करना है ठीक है। हूँ यह जी स्टेटमेंट इतों तक आना है इक्वेशन नंबर 1 तो, यदि आंसर लिख लो, यदि वैल्यू लिख लो, इतों तक की वैल्यू सूँ पता है कितनी है, k + 1 द होल स्केयर लिख लिया करो नाल फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो की आ गया, दिस इज इक्वल टू k + 1 द होल स्केयर इंटू 1 + उन्होंने 2 ना मल्टीप्लाई करो, 2k + 2 + 1 over k + 1 द होल स्केयर, ऐसे बेशक साइड पर लिख लिया करो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो सी यह स्टेप लगाया, दिस इज इक्वल टू k + 1 द होल स्केयर, हाँ जी बेटा एलसीएम लो, k + 1 द होल स्केयर, एन 1 ना मल्टीप्लाई कर दो, k + 1 द होल स्केयर प्लस 2k + 3, हूँ ए मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों रकम, इस करके ए कैंसल हो गया, हूँ जो आ गया लिख लो k + 1 द होल स्केयर खोलो, k² + 2k + 1 + 2k + 3, नीचे कैंसल हो चुकी रकम, ए कि बराबर आ गया k² + 4k + 4, ठीक है। ए दोबारा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि सॉरी ए की बन गया, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इन कंप्लीट स्केयर बन गया है k + 2 द होल स्केयर। तो राइट हैंड साइड दे विच अगर असी n दी जगह ते k + 1 लगा दिए तो वह की बन जाएगा k + 2 द होल स्केयर,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन. के प्लस वन वास्ते रिजल्ट ट्रू आ गया. हूँ इस नेक्स्ट स्टेप की लिखना, हैंस रिजल्ट इज ट्रू, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर करांगे आप 15th. क्वेश्चन नंबर 15th, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सानू समय लग गया, पर जड़ा वो स्टेप लिखना सी टू तो बाद वाला उत्थे अक्सर गलती कर जाते हैं, उत्थे खास ध्यान रख लोगे तो सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15, वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस टू एन माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू 2n माइनस वन 2n प्लस वन ओवर थ्री. हाँ जी, उसी तरह स्टेप वन फॉर n इज इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वन स्क्वेयर, यानी फर्स्ट स्टेप लिखता आपा वन दे बराबर आ गया. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वन इंटू 2 इंटू वन टू माइनस वन 2 इंटू वन टू प्लस वन ओवर थ्री. ये आ गया बेटा वन इंटू थ्री ओवर थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो गए, वन आ गया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन वास्ते रिजल्ट ट्रू आ गया. सेकेंड स्टेप उसी तरह, लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. इस वास्ते की किया सी एज्यूम कर लिया, मान लिया कि वन स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर एंड सो ऑन प्लस टू के माइनस वन द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू k into 2k minus 1 into 2k plus 1 over 3. ये चीज़ मान लिया कि यह जी रकम है ये बराबर है. थर्ड स्टेप, let us prove that result is true for n is equal to k plus 1. हुण इहदे वास्ते असीं प्रूव करना है. फिर उस तरह लैफ्ट हैंड साइड लिखो पहले कि बराबर आएगी वन स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर प्लस टू के माइनस वन द होल स्क्वेयर. नैक्सट स्टैप हूँ ध्यान ना लिखना आप, नैक्सट स्टैप जड़ा वो सोच के लिखना है कि इस तो अगला एक स्टैप चलना. के प्लस वन का मतलब है कि इस तो नैक्सट एक स्टैप होर चलना आप. इतने हूँ वड्डी ब्रैकेट लगा दो, टू के दी जगह पे के प्लस वन लिखना है. ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत कर जाओगे, इस करके टू तो बाद जो के प्लस वन लिखना है नाल ब्रैकेट लिखना है माइनस वन इदा आ जाएगा होल स्क्वेयर. हूँ इतों तक की रकम का तुम आंसर पता है, ये आंसर किन्ना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन तो असी नोट कर लेंगे. हाँ जी, के बराबर है वाला आंसर ये है के इंटू टू के माइनस वन टू के प्लस वन ओवर थ्री प्लस एनू नाल मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया टू के प्लस टू माइनस वन द होल स्केयर. इतने लिख दो साइड से फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन तो सी ऐ वाला स्टेप लिया. हाँ जी बेटा, इधर एलसीएम ले लो, थ्री एलसीएम आ गया. इतने लिखो के टू के माइनस वन टू के प्लस वन, क्योंकि ये नीचे थ्री सीगा इस करके इन वन ही मल्टीप्लाई करांगे, प्लस थ्री इंटू ए बन गया टू के प्लस वन द होल स्केयर.
हाँ जी हुन सिंपलीफाई करने की करांगे इहदे चो तुसी कॉमन ले लो, कॉमन की आ रहा है, कॉमन आ रहा 2k+1 दोनों चेगा उहदे नाल ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। 2k+1 असी कॉमन ले लिया, 3 भी बाहर निकाल लो, ये बच गया k (2k-1)+3(2k+1) दिस इज इक्वल टू 2k+1/3 इन मल्टीप्लाई करो 2k²-k+6k+3 दैट इज इक्वल टू 2k+1/3(2k²+5k+3) बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनु सिंपलीफाई करो, दिस इज इक्वल टू 2k+1/3 ये फैक्टर बनाओ 2k²+k+ ये बन जाएगा 2k+3k+3 2k+1/3 हाँ जी बेटा पहली रकम जो कि कॉमन आया एचो 2k कॉमन आ गया, k+1 3 कॉमन आ गया k+1 ये बन गया 2k+1(k+1)(2k+3)/3 ए बन गया बेटा ताड़े को, यानी कि k+1 अगे लिख दो k+1(2k+1)(2k+3)/3 ए आ गई थोड़ी लैफ्ट हैंड साइड। हूँ असी चेक करांगे कि राइट हैंड साइड भी यही बनती है। राइट हैंड साइड की करना आप डायरेक्ट एन की जगह पर k+1 पुट कर देना, एन की जगह पर लगाता k+1(2)(k+1) ब्रैकेट लगाना है, जे तुसी सीधा लगा दोगे फिर तुसी इस तरह लिख देना तो गलत हो जाना क्योंकि इतने 2 ना मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तुसी ब्रैकेट पाओगे फिर अपने आप करोगे इंटू ये हैगा सी 2k की जगह पर लग गया, एन की जगह पर लग गया k+1 (-1)(k+1)+1)/3 दिस इज इक्वल टू k+1 ये आ गया 2k+2-1+1 2k+2+1+3/3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करो सेम आ गई हैं तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन सारे बेटा इजी है, इको एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन इको तरह के नाल करने हैं, इस करके अगर ध्यान नाल कर लोगे तो यह चैप्टर तुहानू बहुत अच्छी तरह समझ लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 1+2+3 ( (n) इज लैस दैन 1/8 (2n+1) का होल स्केयर। ठीक है ऐसी प्रूव करना है कि जी फर्स्ट स्टेटमेंट लैफ्ट साइड वाली है वह हमेशा राइट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट तो घट होएगी। फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टैप हूँ यह तुम कट्ठा लेके चलना पेगा या फिर लिखना तो लिख लो लैफ्ट हैंड साइड तड़ी आ गई 1 राइट हैंड साइड तड़ी आ गई 1/8 (2×1+1) का होल स्केयर 1/8 (2×1)(2+1)(3)(3)²(9/8) और 1 इज लैस दैन 9/8 क्योंकि 9/8 8 ना डिवाइड करांगे तो 1.1 इस तरह आएगी रकम, तो यह 1 जड़ा वह हमेशा छोटा होएगा जो तो यही असी प्रूव करना सी देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर उस तरह सेकेंड स्टैप लेट अस assume that result is true for n is equal to
के, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस के इज लेस देन 1/8 2k + 1 द होल स्क्वायर। ये सी मान लिया कि यह रकम जड़ी है इस तो छोटी है। थर्ड स्टेप, लेट अस प्रूव दैट, हूँ तो असी प्रूव करना है कि रिजल्ट इज ट्रू। स्टेटमेंट बेटा ऐसे तरह लिखनी है सारे क्वेश्चन, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। हूँ तू पता वै कि प्रूव करना तो असी सिर्फ लैफ्ट हैंड साइड लवेंगे, राइट साइड प्रूव करांगे। लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई 1 + 2 + 3 + k, इस तो नैक्सट स्टैप के प्लस वन होएगा। यह स्टेटमेंट तुम्हें पता है कि फ्रॉम इक्वेशन वन की कह रही है कि यह जी स्टेटमेंट है दिस इज लैस दैन, इतने लैस दैन का निशान इक्वल टू की जगह पर लैस दैन लग जाएगा, लैस दैन 1/8 इंटू 2k + 1 द होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन। बस यह ध्यान रखना है कि हूँ इतने इक्वल टू की जगह पर की लग जाना लैस दैन, क्योंकि यह स्टेटमेंट जी है इतों लैस है। हूँ नैक्सट इक्वल टू का साइन लगावे, क्यों? क्योंकि हूँ आप प्रूव करन लगे कि इन दोनों का जोड़ कि बराबर आया, इस करके इक्वल टू बन गया 1/8। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 8 आ गया एलसीएम, तो इतने होल स्केयर खोल दो, 4k² प्लस 2 × 4k + 1, एक का स्केयर 1 आ गया, प्लस इतने 8 ना मल्टीप्लाई करांगे 8k + 8 आ गया। हाँ जी, हूँ प्लस कर दो 4k² 8 × 4 = 12k + 9/8। हाँ जी बेटा, यह तो नज़र आ रहा है कि यह है 2k² तो यह है 3 का स्केयर, 2a, ए कितना 2k × b, बी ए का 3, उन्होंने गुना करके देखो 2 × 4 = 12, 12 बनता पाया 12k/8। यदा मतलब यह स्टेटमेंट जी है कि बराबर आ गई, ये आ गई 2k + 3 होल स्केयर / 8। ठीक है, हूँ यह जी आप स्टेटमेंट यूज़ की लैस दैन का निशान आया से, यदा मतलब यह रकम कि बराबर होगी, यदा मतलब होया कि 1 + 2 + 3 एंड सोन प्लस के प्लस वन इज लैस दैन, क्योंकि एक बार भी अगर लैस दैन का निशान आ गया या ग्रेटर दैन का निशान आ गया तो उही वाला चलना, फिर मुड़ के इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। इस करके ए वाली स्टेटमेंट लैस दैन 1/8 2k + 3 द होल स्केयर। ठीक है, अगर असी राइट साइड पर पुट करके देखिए तो उही बनेगी, राइट साइड पर अगर एन की जगह पर असी राइट हैंड साइड पर लिख लो, अगर एन की जगह पर आप 2k + 1 लगा दिए, मतलब k + 1 + 1, इन चेक करो यही बनता ना 2k + 2 + 1 1/8, तो यही आ रहा 2k + 3 बन रहा, यदा मतलब स्टेटमेंट की आ गई राइट हैंड साइड पर भी 2k + 3 बन रहा, इधर भी यही रकम आ गई, यदा मतलब स्टेटमेंट की होगी ट्रू होगी। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू, इतने लैफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड नहीं लिख सकते क्योंकि इतने लैफ्ट साइड जी है लैस दैन है, लैस दैन राइट हैंड साइड। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट करांगे इसी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 10^(2n-1+1) इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अप्रूव करना है कि स्टेटमेंट जड़ी है
डिविजिबल बाय 11 है। हूँ ऐसे तरह फिर करांगे फॉर एन इज इक्वल टू वन। हूँ इतने कोई लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं है, ठीक है, इतने डायरेक्ट स्टार्ट करांगे फॉर एन इज इक्वल टू वन। एन इज इक्वल टू वन वास्ते स्टेटमेंट जी है कि बराबर आ गई 10^2 × 1 − 1 + 1। ए बन गया 10^2 − 1 = 10। इत सॉरी 2 − 1 = 1 आ गया, प्लस वन यानी कि 10 + 1 = 11। 11 इज डिविजिबल बाय 11 विच इज डिविजिबल बाय 11। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप, लेट अस assume that result is true for n is equal to k। इहदा मतलब होया कि 10^2 k − 1 + 1 is divisible by 11। बस ये ध्यान ना समझ लो कि क्या उन्हें कि जिहड़ी स्टेटमेंट दिती हुई है उहदे चों असीं एन की जगह पर के पुट करता तो वह बन गई 10^2 k − 1 + 1। ये असीं मान लिया कि यह जिहड़ी स्टेटमेंट है यह रकम आई है वह डिविजिबल बाय 11 है, यानी कि 11 ना पूरी पूरी वंडी जाती है। तो यहाँ मतलब होया कि अगर वह पूरी पूरी 11 ना वंडी जा रही है तो यह मतलब कि इस रकम को असीं लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 11m, यानी कि 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। वेयर m belongs to any integer, m जड़ा है कोई भी इंटीजर हो सकता है। यह आ गया ही को 10^2 k − 1 + 1 = 11m वेयर m belongs to the integer। हाँ जी, इतने तुम यदि वैल्यू निकाल सकते हो 10^2 k − 1 कि बराबर आ गया 11m − 1। यह तुम्हारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। थर्ड स्टेप उस तरह बेटा लेट अस prove that result is true for n is equal to k plus 1। बस ऐसे ही प्रूफ करांगे, यानी कि 10^2 हूँ फिर ब्रैकेट स्टार्ट k plus 1 minus 1 plus 1। इतने हूँ अपन लिख नहीं सकते कि दिस इज डिविजिबल बाय 11 क्योंकि ऐसे ही प्रूफ करांगे, इस करके सिर्फ इतने के की जगह पर आप के प्लस 1 लगाता। उन्होंने सिंपलीफाई करो, ये बन गया 10^2 k + 2 − 1 + 1। हूँ नीचे ध्यान दो, यह रकम जी है 10^2 k − 1 की वैल्यू सानू पता है, यदा मतलब इनू असी किस तरह अलग करांगे 10^2 k − 1 इकट्ठा लिख लो, प्लस 2 नू साइड पर लिख दो प्लस 1। यह बहुत ध्यान देने वाली गल है, इतने यह स्टैप जरा ध्यान ना समझना की दिता आप इतने किया कि आप क्योंकि साढ़े को जिदी वैल्यू पता है असं उन्होंने अलग कर लिया 10^2 k − 1 की वैल्यू पता है, उपर साढ़े को 2 k + 2 − 1 आ रहा है, जे असी इनू कैंसल कर देंगे तो प्लस 1 बन जाना, फिर तू पता नहीं लगना कि किसी वैल्यू लिखनी है, इसलिए इनू इस तरह लिखा रहन दो, ठीक है, ताकि सानू 10^2 k − 1 मिल जाए। यदि वैल्यू थानू इनू अलग अलग करो 10^2 k − 1 × 10^2 + 1, क्योंकि अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो असं इनू पावर्स अलग अलग भी कर सकते हैं बेस सेम लैके, क्योंकि तुसी पहले पढ़िया कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर पावर ऐड हुई हो तो असं उन्होंने अलग अलग कर सकते हैं। हुण इत्थे बेटा तुसी वैल्यू पुट करो, यदि वैल्यू 10^2 k − 1 की वैल्यू वो कि बराबर है 11m − 1 दे नाल की बन गया 10^2 यानी कि 100 + 1। इतने लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन तो तुसी यह स्टैप यूज़ किया। हाँ जी, हूँ नैक्सट देखोगे की आएगा, इनू मल्टीप्लाई कर दो 11m − 100 + 11। यह आ गया 1100m − 99। हाँ जी बेटा 11 कॉमन आ गया, देखो यह आ गया 100 − 100m − 9।
ग्यारह जरा सारे ना मल्टीप्लाई हो रहा है, जड़ी रकम सारे ग्यारह ना मल्टीप्लाई हो रही है ना, मतलब ग्यारह ना डिवाइड भी हो जाएगी, इस करके देयर फोर विच इज इतने लिख दो, विच इज डिविजिबल बाय 11, हैंस रिजल्ट इज, या देयर फोर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, क्योंकि मेन असं यही लिखना होंगे कि सारे नेचुरल नंबर वास्ते ट्रू होनी चाहिए स्टेटमेंट, इस करके लास्ट ईयर लाइन लिखनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर ए एक और कर लो, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, एक्स रेज टू पावर, क्वेश्चन नंबर 21, एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वाई रेज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, अप्रूव करांगे असी कि एक्स प्लस वाई नाल डिविजिबल है, उस तरह फॉर n इज इक्वल टू 1 वास्ते एक्स रेज टू पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2, वाई रेज टू पावर 2 आ जाएगा, हूँ एने तुहानू पता है कि फैक्टर बनाइए तो यह बन जाते एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई विच इज डिविजिबल, हूँ इतने डिविजिबल शब्द भी लिखा हो सकता है, मल्टीपल भी लिखा हो सकता है, तो विच इज़ डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ना है रकम डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप सिया, लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के वास्ते की है, रिजल्ट की होएगा ट्रू होएगा, ये असी एज्यूम कर लिया, यानी कि x रेस टू पावर 2k माइनस y रेस टू पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ये वाले क्वेश्चन खास करके ध्यान की रखना आपा कि जड़ा आपा मान लें कि डिविजिबल है, यदा मतलब कि उस रकम का ही मल्टीपल होएगा, यानी कि ये फैक्टर की बनेंगे x प्लस y इंटू m, m जड़ा कोई अलजैब्रिक या m कोई इंटीजर हो सकता है, या कोई इस तरह की वैल्यू जी अलजैब्रिक फॉर्म तुम इस तरह लिखी सी एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई के नाल आया से एक्स माइनस वाई, इस तरह इतने कोई पॉलीनोमियल आ जाएगा, ठीक है, वेयर एम इज एनी पॉलीनोमियल, कोई ना कोई पॉलीनोमियल बन जाएगा। हूँ इतने भी उस तरह एक माइनस वाली रकम असं उधर लै जाएंगे, एक्स रेज टू पावर 2k की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई रेज टू पावर 2k, यह बन गई थोड़ी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हूँ यह क्वेश्चन जोड़े है ध्यान नाल करन वाले है, ये सारे क्वेश्चन जोड़े भी डिविजिबल वाले या मल्टीपल वाले है, वो इसे तरह एक नंबर सानू उत्थे सपोज करना पेगा, तो वह एक रकम तुम उधर लै जाओगे, वो एक रकम जी थोड़े को बच गई वो वैल्यू आ जाएगी, उन्होंने असं यूज करांगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, लेट अस प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 वास्ते रिजल्ट की है ट्रू है, ठीक है, यदा मतलब एक्स रेज टू पावर 2, फिर उस तरह रुक जाओ इतने ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट्स लिखना है के प्लस 1 माइनस वाई 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट के प्लस 1। हूँ असं इतने लिखना नहीं है, याद रखो कि इतने असं लिखना नहीं है कि दिस इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, क्योंकि असं इनू प्रूव करांगे, ठीक है, कि असं प्रूव करना है कि रिजल्ट ये वास्ते एन फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 वास्ते रिजल्ट की आएगा 2 आएगा, पर असं प्रूव करना है, इस करके असं हले लिख नहीं सकते। यह रकम हूँ कि बराबर आ गई, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर
टू के प्लस टू माइनस वाई रेस टू पावर टू के प्लस टू। हुण ध्यान दिओ साढ़े को वैल्यू कि है एक्स रेस टू पावर टू के दी वैल्यू है, यदा मतलब इनू असी तोड़ना है, इनू लिखांगे एक्स रेस टू पावर टू के इंटू एक्स स्केयर, उस तरह पावर्स अलग अलग करती हैं, बेस सेम हो गया ठीक है, माइनस वाई रेस टू पावर इनू जरूरत नहीं है तोड़न की, इनू इसे तरह रहन दो क्योंकि यदि वैल्यू सानू पता है ठीक है, इसे लिए सिर्फ असी इनू तोड़िया। यदि वैल्यू कि बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई रेस टू पावर टू के, ध्यान ना एक्स रेस टू पावर टू के दी ये सारी वैल्यू असी लिख ली, फिर इतनी ब्रैकेट बंद कर दियो क्योंकि बार की हैगा एक्स स्केयर, इहदे नाल असी मल्टीप्लाई करना है ठीक है, ध्यान दे नाल रकम पूरी लिख लेनी है फिर ब्रैकेट से बंद कर देनी है उन्हों, ते नाल की लिख देना इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई रेस टू पावर टू के प्लस टू एज इट इज़, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन, इस स्टैप असी जिहड़ा लगाया इक्वेशन वन तो आया। हाँ जी बेटा हुण इहनू मल्टीप्लाई कर दो एम एक्स या फिर इस तरह क्योंकि एक्स प्लस वाई सानू चाहिए एक्स प्लस वाई इंटू एम एक्स स्केयर क्योंकि एक्स स्केयर ना मल्टीप्लाई करना है असी प्लस वाई रेस टू पावर टू के इंटू एक्स स्केयर ठीक है, एक्स स्केयर दोनों ना मल्टीप्लाई करता। हूँ इतने क्योंकि वाई रेस टू पावर टू के यूज़ हो रहा है, यदा मतलब इन भी अलग अलग कर दो वाई रेस टू पावर टू के इंटू वाई स्केयर लिख सकते ना, इनू उस तरह जो स्टैप असी इतने लगाया ही उही स्टैप असी उत्थे यूज़ कर लिया। हाँ जी यह कि बन गया तुहाडे को दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एम एक्स स्केयर प्लस हूँ ए दोनों की आ गए कॉमन वाई रेस टू पावर टू के कॉमन आ गया, इतने बच गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स प्लस वाई इंटू एम एक्स स्केयर प्लस वाई रेस टू पावर टू के, ये फैक्टर तुम्हें पता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, हूँ एक्स प्लस वाई ये भी आ रहा है एक्स प्लस वाई ये भी आ रहा है, यह की आ गया कॉमन एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, जो बच गया लिख दो एम एक्स स्केयर प्लस वाई रेस टू पावर टू के इंटू एक्स माइनस वाई, ये पूरी जो पूरा पॉलिनोमियल बनेगा ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा एक्स प्लस वाई ना, यही सानू चाहिए सी लिख दो विच इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, क्योंकि जो असी एक्स प्लस वाई ना डिवाइड करांगे तो कैंसल हो जाएगा ना, इसका मतलब कि डिविजिबल हो गया, देयरफोर लास्ट फिर वही स्टेप आ जाएगा देयरफोर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। सारे क्वेश्चन बेटे ऐसे तरीके ना करने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटा।